हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की शुरुआत हमारे मंदिर से हो रही है सुबह सुबह की। तो ये टाइम पे मम्मी नहीं थी, गांव थी, तो मैं सुबह सुबह उठ के मेरा जो रूटीन होता था, सबसे पहले नहा धो के भगवान की पूजा करना, मंदिर की साफ़ सफाई करके उनकी पूजा करना, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पे आ गई थी। नहीं तो मम्मी रहती थी वो करती थी, क्योंकि मैं और आगे का काम देखती थी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा। इसके बाद नेक्स्ट डे था शीतला सप्तमी, जो कि मैं इसमें होती है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पूजा की जाती है, मतलब भोर होने से पहले 5 बजे ही। तो मैं 4 बजे उठ के सब कुछ कर ली थी, और इसमें हलवा पूड़ी सब चढ़ाया जाता है, तो मैंने सब कुछ कर लिया था। ये पहली बार मैंने ये पूजा की। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी शीतला सप्तमी आप लोग को। तो सो गाइस, आपने देखा ही कि हमारी पूजा हो चुकी है, और अभी बज रहे सुबह के 5:45। तो 5:45 बजे तक, मतलब मेरी पूजा तो 5:30 बजे ही, 5:15 तक भी डन हो गई थी। तो हमने सब कुछ कर लिया, और जैसे कि पता है आप लोग को, इस बारी मैंने सब कुछ अकेले किया है, मम्मी भी नहीं थी। तो मतलब पहली बार ऐसा करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मैंने जैसे तैसे किया सब कुछ चीज़, क्योंकि भाई ज़रूरी है तो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे भी नहीं। मेरी साड़ी मुझे ना बड़ी अनकम्फर्टेबल फील करा रही है, तो सीखेंगे भी नहीं, तो सीखना भी ज़रूरी है। तो कभी ना कभी ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं लाइफ में, कब कैसा माहौल पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो अभी मैंने सब कुछ कर लिया, अपने हिसाब से मैंने सब सही किया, मम्मी से भी मैंने सब पूछ लिया कि कैसे क्या होता है। मम्मी ने वैसे, मम्मी मुझे मतलब जाने से पहले से ही मुझे गाइड कर रही थी कि शायद से तुमको करना पड़ जाए तो सब जान लो कैसे क्या करना रहेगा। तो मम्मी पहले से भी बता रही थी, फिर कॉल पे भी 2-3 दिन से बता ही रही कि कैसे क्या करना था। तो उस हिसाब से मैंने सब कुछ कर लिया, और आपने देखा पति देव भी उठ गए थे, तो थोड़ा हेल्प करा दी। बट वैसे एक जन से नहीं होता, एक जन कोई और उठे रहता, क्योंकि कुछ सामान चाहिए होता है कुछ भी, तो करते रहते हैं साइड में। तो मम्मी भी करती थी, मैं रहती थी, पापा आ जाते थे, हम सब हेल्प करते रहते थे साइड में। तो जैसे कि आपने देखा हमारी पूजा हो गई शीतला सप्तमी की, और ये श्रावण मास में होते हैं हमारे इधर। एक दिन पहले इसके पहले फास्ट रखते हैं, और नेक्स्ट डे सुबह सुबह पूजा होती है, जो कि बेटे के लिए रखा जाता है ये व्रत शीतला सप्तमी। और आप लोग के यहाँ ये पूजा होती है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना शीतला सप्तमी की, और किस किस के यहाँ होती वो भी मुझे बताना। तो हमारी तो पूजा हो गई भाई, आपकी पूजा कितने बजे हुई वो भी मुझे कमेंट में बताना। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस बार शायद से मैंने जल्दी किया है, क्योंकि मैं ना 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे तभी मैं उठ गई थी, और फिर भी ये बोल रहे थे यार हम लेट हो गए हैं। मैं टेंशन, मतलब हम लेट नहीं है, हम जल्दी ही कर देंगे सब कुछ। और मैंने मेरी मम्मी को भी कॉल किया, उनकी पूजा हो गई थी तो मेरी हो गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो है जल्दी कर लिया। तो बस सब कुछ हो गया था। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिलूँगी थोड़ी देर के बाद, बिकॉज अभी मुझे अब आलू की कचौरी बनानी है, पूरी बनानी है, सब्जी बनानी है, चावल बनानी है, इतना सब कुछ बनाना है। मैंने हलवा तो बना दिया, और इस पूजा में पूरी और हलवा चढ़ता है, हलवा वो भी आटे का हलवा चढ़ता है, तो वो सब चीज़ तो हमने बना के चढ़ा दिया। अब इसके बाद हमें कचौरी बनानी है और पूरी, तो वो हम अभी बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। उसके पहले मैं ये साड़ी चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। जैसे तैसे मैंने पूजा कर लिया, और वो दोनों जन उधर सो रहे, तो इधर मैं मम्मी के रूम में ही आके इधर रेडी हुई, मतलब साड़ी पहने में कुछ भी रेडी नहीं। और मैंने पैर में भी कलर लगाया, मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी। मैंने फटाफट आके पैर में कलर लगा के ना तब पूजा किया, क्योंकि बोलते कि पैर में कलर लगा लेना चाहिए। तो इसके इधर पैर में कलर भी लग गया था मेरे, मैंने लगा लिया था पूजा करने से पहले, क्योंकि बोलते लगा लेना चाहिए कोई भी शुभ काम करने से पहले कलर ज़रूर लगाते हैं। तो ये पाउच ले जा रही हूँ रखने, और ड्रेस चेंज कर लेती, फिर आप लोग से मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। ये वाली साड़ी पहनी थी, जिसमें ब्लू बॉर्डर और ग्रीन कलर की साड़ी पूरी, और इसमें मैंने ये मैचिंग ब्लाउज कर लिया मेरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, देखिए पिछले 7:30, यहाँ पर मैं नहा धोती सब पूजा पाठ करके बैठी थी, और जिस मैंने चाय भी बना कर दूसरा दूध भी गर्म कर दी, पापा का दलिया भी बना दी, पापा नहाने गए। आज जो है मेरी सासू माँ आ रही है गाँव से, इतने दिन के बाद, तो मैं बहुत खुश हूँ। बट दिक्कत क्या है, आज आ रही है, आज रहेंगी, कल रहेंगी, परसों फिर चले जाएंगी, और कहाँ जा रही है वो भी आपको बताऊँगी। हो सकता है इसी वीडियो में नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा फिर से कहाँ जा रही हैं। तो बस चलो कहाँ जा रही है, साथ अपना कुछ जो डेली शेयर हो, अगर पॉसिबल हुआ तो स्टार्ट तो कर दिया है मैंने, बट देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो शेयर करती रहूँगी आप लोग के साथ।
तभी मैं जैसे ऐसे बैठी थी तो मैंने बोला क्यों ना मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, हाथ मुझे लग गया फोन कट कर दिए। तो गाइस प्लीज़ आप मुझसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को एटलीस्ट कम से कम 3 मिनट तक तो देखा ही देखा करिए, वरना आप आगे की 1 मिनट 2 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स देख के जाते तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको कम से कम वीडियो पे 3 मिनट तक तो बने ही रहिए ताकि आपको पता चल पाए आगे है क्या चीज़। तो क्योंकि लोग देख नहीं रहे हैं तो इससे हमारे वीडियो का जो है व्यूज़ वो काफ़ी डाउन चल रहे हैं, जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत बेकार चल रहा है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है ऐसा वीडियो मत करिए, आइए तो कम से कम 3 मिनट तो दीजिए ही दीजिए। और बस आपकी मैं चाहती हूँ कुछ आशा बनाने के लिए हम लोग के लिए देखने में क्या बनाती हूँ। कल ना हमने डी मार्ट से ना बोला था बर्गर वाला पाव और आलू टिक्के जो उसके बर्गर में ना डाल दें, जो लोगों को काफ़ी दिन से बोल रहा था मम्मी मुझे बर्गर खाना है, मुझे बर्गर टिफिन में लेके जाना, मेरा फ्रेंड आया था तो मैंने सोचा यार बच्ची वो है थोड़ा फरमाइश पूरी कर देनी चाहिए कभी कभी, वैसे मैं ज़्यादा नहीं पूरी करती हूँ बट कभी कभी तो पूरी कर देनी चाहिए। तो उसकी वजह से जो मैं गई लेके आई और कल रात में हमने दो बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो आज अभी हो सकेगा तो दोपहर में या फिर मम्मी आ जाएंगे तो बनाएंगे, मम्मी भी खाएँ। और कल डुबू की वजह से बना और अचानक से डुबू की तबीयत ही ख़राब हो गई जिसकी वजह से आदमी स्कूल भी नहीं गया, और हो सकते हैं जहाँ तक आज उसका ट्यूशन भी स्किप होगा बिकॉज उसको फिर से सर्दी खांसी फीवर का प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली सब कुछ बीमार हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसका भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा, देखते हैं कैसा रहेगा। तबीयत दवा ववा देंगे अगर ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो बेचारे जिसकी वजह से लेके आए थे बर्गर का प्लान किए थे उसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट देखते अगर आज उसकी तबीयत ठीक रहेगी तो आज वो खा लेगा। चलिए मैं आपको बाय। मैंने जैसे कि आप लोग को दोपहर में बताया था कि मैंने बनाया था बर्गर और इलाके आपको टमाटर दिखा रहा है, तो डुबू ने पहले बोला मुझे नहीं खाना बट अभी बोल रहा है कि मुझे खाना है। तो यहाँ पे मैं 2 टिक्की बनाऊंगी बर्गर, तो कैसे बनाने में आपको बता दी बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो अगर आपके बच्चे की फरमाइश है। तो देखो मैं रेडीमेड पाव लेके आई थी और यहाँ पे रेडीमेड में आलू टिक्की भी लाई थी जो जिसमें से कल मैं 2-3 बनाई थी तो निकला था, बाकी फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं 2 टिक्की बनाने वाली हूँ और ये एक पैक में कितना आता है 10 पीस आते हैं जो कि 115 का है, 115 का मैं डीमार्ट से लाई थी, ये मुझे कुछ 99 में पड़ा था, इसमें 10 पीस रहते हैं। तो ये 2 पीस मैं फ्राई करूंगी और यहाँ छोटी वाली कढ़ाई में 2 मैं रख देती हूँ, बाकी जो भी बचे हैं तो रेडी से 2 मैं बना लेती हूँ। स्टार्टिंग में गर्म करी उसके पहले मैं पाव को थोड़ा सा घी लगा था ना तवे पे सेक लूंगी तो थोड़ा सा क्रंची लगता है जिससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है। पाव को मैं निकाल ली हूँ और अभी इसको क्या करूंगी मैं, आप भी ऐसे बना सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो अभी इसको यहाँ से मैं कट करूंगी एकदम आपको बराबर सेक्शन में कट करना, ऊपर नीचे यानी कि पतला एक मोटा, ये देखिए कट हो गया। अब इसको मैं तवे पे सेक दूंगी थोड़ा सा घी लगा के। और जो हमने चंडीगढ़ में बर्गर खाया था ना वहाँ पे ये पाव को हम फ्राई कर देते हैं तो और भी मज़ा आता है, बट मज़े के साथ साथ वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए हम फ्राई तो नहीं करेंगे तेल में बट थोड़ा सब्जी लगा के हम इसको सेक देंगे। मैंने क्या किया बताऊँ आपको, बता दूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अनियन और टोमेटो कट कर लिया, टोमेटो डुबू को नहीं चाहिए तो मैं अपने वाले में डालूंगी और अनियन डुबू वाले में भी डालूंगी, टमाटर मैं मेरे में डालूंगी और क्या डालूंगी ये टोमेटो सॉस और ये बर्गर के लिए सॉस मैं लेके आई थी बर्गर हावीज मेयोनीज है बर्गर का, ये देखो आपको इसलिए आपकी मार्केट में मिल जाएगा ये और इसकी प्राइस है 45 रुपीज। तो ये जो है मैं इसलिए क्या गई थी तो बस इतना ही सामान लगता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता है इसमें और बहुत इजी तरीके से बर्गर बन जाता है। तो आप भी बना के अपने बच्चे को दे सकते हो, तो आप भी बनाओ खिलाओ अपने बच्चे को, वो भी खुश काफ़ी खुश। तो यहाँ पे टिक्की में डाल दे उसमें फ्राई होती है, बाहर चटका लगेगा तो बहुत थोड़े से तेल में ये फ्राई हो जाता है बिकॉज ये ऑलरेडी फ्राई रहता है, हाफ फ्राई रहता है, आपको थोड़ा सा ही फ्राई करना पड़ता है तो फ्राई जाता है। देखो टिक्की कुछ इस तरीके से है जिसमें से भाप निकल रहा है ठंडा ठंडा सा, यहाँ पे मेरी टिक्की फ्राई हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसको इसकी प्लेटिंग करूंगी, इसको बनाऊंगी कैसे, वो मैं आपको फास्ट से दिखाऊंगी। मैं मेरा बर्गर का जो पाव है उसको सेक रही हूँ और इधर मेरी टिक्की फ्राई हो रही है, एक टिक्की मैंने इधर साइड में रखी है और एक कुछ कांदा और टमाटर टोमेटो सॉस वेज मायोनीज जो कि बर्गर के लिए। ये देखो यहाँ पे पाव में मैं डाल दे रही हूँ सबसे पहले थोड़ा सा सॉस जो कि मेरे ये इतना पाव मेरे दोनों पाव में कवर हो जाएगा, सॉरी दोनों ब्रेड में ऊपर नीचे की, मायोनीज डाल रही हूँ। अब इसको मैं करूँगी मिक्स और इधर मेरी टिक्की हो रही है फ्राई दूसरी वाली, एक तो मैंने फ्राई कर दी और इधर तवे पे रख दिया मैंने और पाव भी देख सकते हो आप तो ये वाली भी हो गई है। अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से लेके इस पे लगाएंगे ये वाले पे ताकि ज़्यादा भी ना हो सॉसेस, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता, एकदम अजीब अजीब सा आता है। दोनों पे हो जाए सेम सेम क्वांटिटी में, तो ये देखो देखो इस ब्रेड पे भी मैंने लगा दिया
सेम इधर कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा तो ये देखो तो हमारे बेड पे लग गया है। अब ये देखो यहाँ पे हम रखेंगे अपने टिक्की और दूसरे पे भी टिक्की अपनी रख दे रहे हैं। और इसके बाद अब हम रखेंगे कांदा। रुको आप वाले में टमाटर नहीं डाला ना, ये वाला मेरा, ये दोनों वाला ठीक है, ये आप रख लो, ये दोनों, ये दोनों को टमाटर नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ अपने पे ही डालूंगी। ये देखो ये हो गया डुकू का, ये देखो बन गया, और ये वाला हो गया मेरा। तो आप देख सकते हो ये है हमारा, ये मेरा बर्गर। तो गाइस अभी मम्मी जो है आने वाली है थोड़ी ही देर में, अभी मैं चल रही चाय वाय बनाने की, उनको इतना लेट हो चुका है तो आके वो तो खाना नहीं खाने वाली है, खाना मुझे लगता है डायरेक्ट रात में ही खाएंगे। तो मैं चलती हूँ बनाऊंगी उनके लिए चाय फटाफट से। और मम्मी गए हुए आई थी तुम्हें कुछ तो 20 दिन से ज़्यादा ही हो गया रहेगा, मुझे डेट माँ कसम बच गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो मेरा फ़ोन तड़ करके गिरा। तो चलो मैं यहाँ पे होल्ड करती हूँ फ़ोन भाई, नहीं तो फ़ोन से रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज पतिदेव अभी फ़ोन दिलाएंगे भी नहीं मुझे। फिर मैंने चेंज किए कुछ ऐसा वाला लेके, इसके पहले अगर आपने नोटिस किया होगा कभी मेरे मसाले के डब्बे अलग थे, कल मैं ये न्यू वाला लेके आई हूँ। तो मैंने सारे चेंज कर दिए, हल्दी धनिया मसाला चीनी सबका चेंज कर दिया, बिकॉज बहुत टाइम से वाले थे तो मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, थोड़े वो ओल्ड भी हो गए थे और थोड़ा सा डैमेज भी हो रहा था, उसकी वजह से मैंने चेंज कर दिया। थोड़े टाइम पे चेंज भी कर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अभी मैं ये वाला लेके आई हूँ, यहाँ पर मैं निकाल सकता और मुझे बहुत अच्छे लगे, छोटे छोटे से ऐसे अच्छे लगते हैं। चाय पक चुकी है एकदम अच्छे से, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर, और शक्कर मैं यहाँ पे बहुत चम्मच डाल रही हूँ, बिकॉज मेरे यहाँ पे कैसा ना किसी को फीका पसंद है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब एकदम लेवल पे होना चाहिए, इसकी वजह से मैं उसके हिसाब से डालती हूँ। तो गाइस अभी मैं जो है चावल फ्राई कर रही थी और मम्मी आ गई हैं, तो सुबह मैंने चावल ज़्यादा बना दिया था, थोड़ा सा चावल बचा था तो मैंने फिर फ्राई कर दिया और मम्मी ने खाना खा लिया है, सब्जी चावल रोटी। और मम्मी को मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज अभी मम्मी बहुत थकी थकी सी थी, तो मतलब नहीं अच्छा लग रहा था उनको डायरेक्ट ऐसा टाइम लेके सामने आना, तो मैंने नहीं दिखाया, बाद में आप लोग को दिखाएंगे। और आज मैं ज़्यादा टाइम आप लोग को अपने किचन में देख रही हूँ और किचन से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि मैं बात करते वक्त ज़्यादा देखती हूँ, काम नहीं करती हूँ, तो इस बार मैं आप लोग को काम करते वक्त दिखा रही हूँ। काम तो डेली करते हुए दिखाती हूँ, आज दिखा रही हूँ, अब आप ऐसा मत सोचना कि आज ही मैं काम कर रही हूँ। चलो स्टार्ट कर लेती हूँ, ब्लॉग टाइम भी कर लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ, और मम्मी ने गांव से क्या क्या लाया वो भी आपको रुको दिखाती हूँ 2 मिनटों को बस। गांव की चीज़ें जब आती हैं तो खाने में मज़ा ही अलग होता है यार, मज़ा आता है उस चीज़ का। और ये चावल पहले मिक्स कर दूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ, और चावल बहुत ही यमी फ्राई किया है मैंने, आप लोग को भी खाना है तो आप लोग फटाफट रुको, आप लोग को मैं मेरा चावल दिखाती हूँ। पहले कैमरे को इधर से निकालती हूँ और फिर बैक कैमरे से आप लोग को दिखाती हूँ। मेरा चावल फ्राई हो चुका है यार, पता नहीं क्यों कैमरे में अलग कलर आता है, रियल कलर जो है उसका वो नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल कलर बहुत ही अच्छा है। तो इधर चावल फ्राई हो गया और अब दिखाऊँ आपको मम्मी क्या क्या लाई हैं गाँव से। ये देखो ये है अनरसा, जिसको पता होगा यूपी बिहार के साइड के होंगे तो उनको पक्का पता होगा। ये देखो पापा भी लाए थे, मम्मी भी लाई, ये है गांव की, इस टाइम ये स्पेशली बारिश में ही मिलती है। और इसमें प्रसाद था जो कि मम्मी कहीं गई थी दर्शन करने के लिए। अब ये है भरा हुआ पेड़ा, सुजानगंज का फेमस भरा पेड़ा, और जिनकी शॉप का है ना उनका नाम लिखा रहता है गंगा, इनकी दुकान का नाम है गंगा तो उनका नाम लिखा रहता है इस पर। ये और अनरसा लाई है, जो कि इस टाइम पे ना स्पेशली गांव का अनरसा बहुत फेमस होता है और बहुत मस्त लगता है हमें, और ये सब सीज़न की चीज़ें होती हैं और हमेशा नहीं मिलती हैं, और जब गांव में, और ऐसा तो मेरे यहाँ हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आ ही जाता है। तो इस बार मम्मी पापा दोनों जैसे पापा आते वक्त लेके आए, मम्मी भी लेके आई, तो बस। और तो फिलहाल क्या गाँव में होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी तो हर एक चीज़ें हमें यहाँ पे भी मिल जाती हैं और गांव से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये सब चीज़ें नहीं मिलती है जो कि हम मिस करते हैं, तो आ ही जाता है। आप लोग को पसंद है कि नहीं, वैसे पसंद नहीं पता नहीं, आप लोग के यहाँ मिलता है कि नहीं वो मुझे बताना, अगर मिलता होगा तो पसंद है कि नहीं वो भी बताना, मुझे तो बहुत पसंद है स्पेशली, बहुत अच्छा लगता है। वो भरा हुआ पेड़ा भी अच्छा लगता है, बट कंपेयर किया जाए तो मुझे भरा पेड़ा से ज़्यादा अच्छा अनरसा लगता है।
तो चलिए अब मैं अपने इस ब्लॉग का करती हूँ एंड और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। पसीना बहुत हुआ बिकॉज गर्मी में थी और मैंने एग्जॉस्ट फैन भी बंद किया बिकॉज आवाज़ बहुत आ रही थी, तो इसकी वजह से मैंने बंद किया। तो चलो अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग अगर अभी चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना। तो बाय, टेक केयर, शिव शोन।